22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या में राम मंदिर के द्वार आम लोगों के लिए खुल गए हैं। लाखों की तादाद में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब तक 5,00,000 लोग दर्शन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विशेष एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक बयान जारी कर कहा है कि लोग यहाँ भारी संख्या में जमा है। व्यवस्था संभालने के लिए प्रमुख गृह सचिव और मुझे यहाँ भेजा गया है। हम भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए कई प्रबंध कर रहे हैं। यूपी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मंदिर के गर्भगृह के अंदर मौजूद हैं और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर निगरानी रख रहे हैं। आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार तिवारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भक्तों को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मंदिर के अंदर और बाहर लगभग 1,000 जवानों को तैनात किया गया है। राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन का समय रात 10 बजे तक कर दिया था। अयोध्या में देश भर से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन को लेकर अपडेट ले रहे हैं। यूपी सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और स्थानीय अधिकारी मंदिर में मौजूद है। बेहतर क्राउड कंट्रोल तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, ये दो चीजें थी जो कल हम लोगों ने यहाँ आने के बाद से इसको सुनिश्चित कराई। शासन के निर्देश थे कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो, इसको सुनिश्चित कराया गया। और आज जो भी प्रबंध रात भर में विभाग अंतर विभागीय समन्वय से ट्रस्ट के साथ संपर्क बना के हम लोगों ने किया था, उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आपको खुद देखने को मिल रहे हैं कि कोई भी वेटिंग में क्यू नहीं है, कोई वेटिंग एरिया में आदमी को विथहोल्ड नहीं किया जा रहा है। सभी जो क्यू की जो कतारें थी, लोगों को निश्चित अपने क्यू में लगा दिया जा रहा है और अनवरत दर्शन चल रहा है। दर्शन के बारे में ट्रस्ट से ये बात हुई है कि भोग के समय 15-15 मिनट के लिए दो बार इसको रोका जाएगा और पूरा दर्शन अबाधित तरीके से चलता रहेगा।